तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी बजट फ्रेंडली होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास है आईफोन 7 जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में, यानी कि आज से तकरीबन 7 साल पहले। और बात करें इसके प्राइस की, तो आज के टाइम पे जो आईफोन 7 है वो आपको इजिली 7000 से लेके 8000 तक की रेंज में देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करेंगे कि क्या आपको आईफोन 7 2023 में परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो बात करें डिजाइन की, तो जो आईफोन 7 का डिजाइन है वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड काफी ज्यादा हैंडी भी है। तो आईफोन 7 के जो फुल बॉडी फ्रेम है वो हमें एल्युमिनियम फ्रेम में देखने को मिलती है। सो बात कर लेते हैं इसके कैमराज की। तो जो आईफोन 7 है उसकी बैक साइड पर हमें मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो आता है 28mm लेंथ के साथ। सो अब कर लेते हैं आईफोन 7 का कैमरा टेस्ट। तो कुछ फोटोज क्लिक करेंगे आईफोन 7 से एंड देखते हैं कि फोटोज में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड फाइनली कम टू द वीडियो पार्ट। सो अब एक वीडियो शूट करेंगे आईफोन 7 से एंड देखते हैं कि वीडियो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 7 है वो मैक्सिमम 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। सो अब कुछ वीडियो सैंपल शूट करेंगे आईफोन 7 से एंड सो ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आईफोन 7 से शूट की गई है एट 4K 30 FPS फ्रेम रेट पे एंड जो ऑडियो है वो भी इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया है, कोई एक्सटर्नल माइक इसमें यूज़ नहीं किया। तो आप ऑडियो की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं।